रास्ता दीजिए रास्ता। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश सेवा के नाम पर अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों के रास्ते रोकने का अधिकार इनको दिया किसने? प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक निर्माता सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक गौड ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भी चला गया होता। देखो जी आप चुपचाप है ना, जुबान पे ताला लगाओ और बैठ जाओ इधर, मैं जरा इंक्वायरी करके आता हूँ। अच्छा सुनो, जरा संभल कर बैठ लो। क्यों जी, कोई मुझे चोरी करके ले जाएगा एयरपोर्ट से? चंडो जी, कोई अंधा ही आपको चोरी कर सकता है। हेलो। सतीश कौशिक को 1983 में फिल्म जाने भी दो यारों से पहचान मिली। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी ने अपनी छोटी सी भूमिका से दर्शकों के दिलों पर एक खास छाप छोड़ दी। इसके संवाद लिखने में भी उनका योगदान था। अभिनय के बाद उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और भारतीय सिनेमा की उस समय की सबसे बड़ी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बनाई। सतीश कौशिक अपने सिनेमा के माध्यम से सदैव फिल्मों के चाहने वालों के बीच बने रहेंगे। का दिल तोड़ा है तूने दिल। अरे जिंदगी और पैसा कमाने का सपना देखा और आज जब पैसा मिल रहा है तो उसे... आखिर कौन भूल सकता है मिस्टर इंडिया के कैलेंडर को? मेरा नाम है कैलेंडर। क्या है? मेरा नाम है कैलेंडर। मैं तो चला किचन के अंदर। कौन भूल सकता है दीवाना मस्ताना के पप्पू पेजर को? क्या है ना, मेरे पा बोल रहे काय को गुंडे लोग लगाता है यार, ये भड़क गए तो अपनों को तोड़ डालते, दूसरे को तो फोड़ डालेंगे। मम्मी क्या बोला रे तू? कौन भूल सकता है जाने भी दो यारों में तरनेजा के सहयोगी अशोक को? आओ सर, अगर आहूजा साहब हमें दो पुलों के कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो हम इन्हें बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आराम से गाड़ सकते हैं। क्या हुआ टकड़ा? I'm sorry सर, कहने का मतलब है कि बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आपको 50% का पार्टनर बना सकते हैं। बड़े मियां छोटे मियां के मंझले मियां को, ऐसी अनेकों कालजयी भूमिकाओं को उन्होंने अपने जीवंत अभिनय से हमेशा के लिए अमर कर दिया। कसम उड़ान झलने की, बड़ी सही जगह लेके आया तू तो। क्या कर रहा भैया? अबे वर्दी पहनी नहीं कि दोस्त को भूल गया? सतीश जी को राम लखन और साजन चले ससुराल फिल्मों में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। जय हरने धरनी भारत, ये लो जी 1 किलो चीनी, ये लो जी 1 किलो चीनी। सतीश कौशिक एक संवेदनशील अभिनेता और निर्देशक थे। उनकी फिल्मों के विषय अक्सर समाज से ही जुड़े हुए रहते थे। तो हल्की लागे ना, 1 किलो ही है। यकीन नहीं आता तो ये देखिए 1 किलो का बट्टा, और फिर भी यकीन नहीं आता तो इस पे सरकार की लगी मोर देख लो और अपने सर पे मार के देख ले। 2009 में रुस्लान मुमताज और शीना शाहबादी अभिनीत उनकी फिल्म तेरे संग किशोर गर्भावस्था के मुद्दों की पड़ताल करती है। हाँ, जब मीठी मीठी बातों से काम नहीं चला तो मेरी बेटी को अगवा करवा लिया तुमने? तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम मोहित पुरी है। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें मुझसे, समझे? बल्कि तुम दोनों पर किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगा और तुम्हारे सवारा बेटे पर रेप का। अगर तुम लोगों से जेल की चक्की नहीं पिसवाई ना तो अपना नाम बदल दूंगा। उन्होंने फिल्में बनाना जारी रखा और उन्हें पहली हिट 1999 में हम आपके दिल में रहते हैं से मिली। ओजी मैं जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन, आप कौन? अरे मैं संजय दत्त बोल रहा हूँ, संजू बाबा। ओजी दत्त महाराज जी, ओजी, और नमस्ते जी, ओजी। 9 मार्च 2023 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी फिल्मों के माध्यम से वो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जीवित हैं। बोलो बाटारन स्वामी की। बाटा भाई, ये भाईगिरी छोड़ के साधुगिरी में क्यों घुस रहे ले हो?